हरे कृष्णा व्यूअर्स, कैसे हो? आज 3 या 4 महीने बाद व्लॉग आ रहा है। टाइम नहीं मिल पाता था तो इसलिए मैं बनाता नहीं था, बहुत हेक्टिक शेड्यूल था। आज खुद का वर्कआउट करना है और एक मेरा पीटी का सेशन भी है, तो मैंने सोचा उनके साथ ही वर्कआउट कर लूँ, बिकॉज सुबह हो नहीं पाया था, 1 बजे फ्री हुआ था, फिर घर वगैरह आया था। एंड आज है हमारा लेग डे, तो हर किसी को मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी जो पहली मूवमेंट होती है कंपाउंड मूवमेंट करा करो। कंपाउंड मूवमेंट एज इन वेटेड स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, मतलब जिस मूवमेंट में 2 से ज़्यादा मसल्स आपके एक टाइम पे यूज़ होते हैं उसे कंपाउंड मूवमेंट बोलते हैं। एंड उसके बाद सारी आइसोलेशन मूवमेंट जिनमें आपको फोकस और कॉन्सेंट्रेशन का ज़्यादा पता चले। तो कंपाउंड मूवमेंट स्टार्टिंग में इसलिए क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लगती है एंड ओवरऑल स्ट्रेंथ गेन एंड फैट लॉस में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है? और इसीलिए स्टार्टिंग में कंपाउंड मूवमेंट, तो उससे भी पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वार्म अप। तो आओ अब हम वार्म अप से शुरू करते हैं। ज़्यादा नहीं करना वार्म अप, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा कार्डियो में प्रेफर नहीं करता। एंड वेट ट्रेनिंग में भी ज़्यादा लोड नहीं उठाना, अगेन गर्मी बहुत ज़्यादा है उस सीज़न की वजह से। और पानी सारे बहुत सारा पीते रहो, इतनी गर्मी है कि मतलब आपको अगर यूरिन का कलर अगर आपको येलो आ रहा है ना तो आप समझ लो डिहाइड्रेटेड हो। तो उसको कंट्रोल करने के लिए पानी जितना ज़्यादा पीते रहो, यूरिन जैसा ट्रांसपेरेंट आएगा तो आपकी बॉडी उतनी ही हाइड्रेटेड है। यही एक तरीका है आपकी बॉडी में वाटर लेवल चेक करने का, ठीक है? चलो वार्म अप से स्टार्ट करते हैं, बातें तो बहुत सारी करते रहेंगे। वार्म अप मैं सबको वही कराता हूँ, टो टच, फिर क्रॉस लेग टो टच, देन दूसरा क्रॉस लेग, मैं खुद भी वही करता हूँ, मेरे को काफ़ी इफेक्टेड करता है। एंड उसके बाद मैं स्किपिंग प्रेफर करता हूँ, जिनको नहीं आती वो जंपिंग जाके हाई नीज 3 से 4 मिनट तक करते हैं। काउंटिंग नहीं हो पाती मुझसे तो मैं टाइम के हिसाब से कर लेता हूँ, 3 से 4 मिनट तक हमारा स्किपिंग होता है। उसके बाद जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेग्स है, लेग्स के लिए फ्री स्क्वाट्स, फिर उसके बाद पुशअप्स, ये मैं हर किसी को सजेस्ट यही करता हूँ। एंड हमारे कोच ने हमें सिखाया था ये कि आपका रोज़ का वार्म अप ये होना चाहिए, 15 पुशअप्स, 15 स्क्वाट्स, 15 चिन अप्स एंड 15 ही बार डिप्स। ओवरऑल उसमें हर बॉडी का हर एक मसल ट्रेन हो जाता है एंड एक्टिव हो जाता है। वार्म अप हो गया एंड देख लो गर्मी बहुत है, कुछ ज़्यादा इतना मैंने हाई इंटेंसिटी वाला करा भी नहीं था, बट फिर भी वार्म अप भी वर्कआउट जैसा ही लग रहा है, पार्ट ऑफ वर्कआउट होता है। तो अपना वर्कआउट के साथ भी पानी पीते रहो, मतलब आपको 700 से 900 ml तक अगर आप वर्कआउट के साथ पानी पीते हो। अगेन ये बहुत बड़ी मिथ है, कई लोग बोलते हैं कि नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल पीना चाहिए पानी, क्योंकि बॉडी से वाटर लेवल कम होता है एंड वर्कआउट के दौरान अगर आप पानी पीते रहते हो तो आपका वाटर लेवल मेंटेन रहता है एंड बहुत लोग फेंट होते हैं। एक मेजर रीज़न ये भी है डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग द वर्कआउट, सो पीते रहो पानी। एंड हमारे क्लाइंट्स अब नहीं आए यार, अभी तक वेटिंग चल रही है, कोई नहीं आने दो, अब हम अपना वर्कआउट शुरू करते हैं, स्क्वाट से शुरू करते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ। अगेन ये वार्म अप सेट है, 60 किलो से ज़्यादा नहीं, 4-5 रेपिटेशन एंड इतने में ही योगेश भी अभी आ जाते हैं। हम दोनों ने कल लेग नहीं करी थी तो आप दोनों साथ में करेंगे। एंड उनका वार्म अप भी सेम ही है, मैं वही बताया था, स्किपिंग पुशअप स्क्वाट्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया कर रहा था कुछ। एंड ये अब मेरा वर्किंग सेट है, कोई इतना भारी लोड नहीं था आज, यानी लग भी नहीं रहा था कोई भारी, बट बिकॉज गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी तो मैं ज़्यादा हेवी प्रेफर नहीं करा, तो आज ज़्यादा वेट उठाने का मन भी नहीं था। तो 100 किलो से ही 10-10 के 4 सेट करे, थोड़ा और बढ़ाने का सोच रहा था मैं, मैंने कहा क्या करना है, अभी कोई कॉम्पिटिशन है नहीं, तो इसी वेट से मैंने करा था। इनका वर्किंग सेट है 80 किलो से 10-10 के 4 रेपिटेशन, इनका फॉर्म बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। मेरे क्लाइंट्स में 2 लोगों का फॉर्म बहुत अच्छा है, कि योगेश भैया और एक और है जिम में है, 6 उनका भी फॉर्म बहुत अच्छा है, 7 फुल डेप्थ के साथ हर एक रेप मारते हैं बिना बेल्ट के, 80 किलो के 10-10 के 4 काफी बड़ी बात है नॉर्मल आदमी के लिए। शाबाश, एक बिजनेस मतलब अपना काम करने के बाद ये वर्कआउट करना, देख के राइट वाला फिर लेफ्ट, शाबाश। तो हम दोनों के एक एक सेट हो गया, तो बेसिकली मैं सबको वही वर्कआउट कराता हूँ जो मैं खुद करता हूँ, कोई मैं ऐसा अनोखा खोज के नहीं लेके आता, जो मुझे सिखाया मैं सबको आगे वही सिखाता हूँ कि स्क्वाट अच्छी है, बेंच प्रेस अच्छी है, डेडलिफ्ट अच्छी है, शोल्डर प्रेस अच्छी है, इन्हीं सभी एक्सरसाइजेस से बाकी की सारी एक्सरसाइजेस सपोर्टिंग वाली बनी है। तो
अगेन मॉरल ऑफ द स्टोरी, कंपाउंड मूवमेंट पहले करनी चाहिए एंड हम हमेशा पहली एक्सरसाइजेस के 4 सेट करते हैं, ठीक है, एंड बाकी एक्सरसाइजेस हम 3 सेट कर लेते हैं क्योंकि पहली एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग जाती है। तो अब हम अपना नेक्स्ट सेट करते हैं, ठीक है, आ जाओ। एंड ये मेरा लास्ट सेट था, मैंने ज़्यादा बीच के 2 रिकॉर्ड नहीं करे, मैंने कहा क्या ही करना, कोई हैवी वेट तो मार नहीं रहा। एंड इस सेट के लिए मैंने थोड़ा एंगल वीडियो का चेंज करा था, पहले मैं साइड में रखता था, मैंने पीछे रखा, ठीक था, इसमें भी डेप्थ है पूरी ज़्यादा पोजिशन में, कोई इतना आज मुश्किल वर्कआउट नहीं था, नॉर्मल था, तो हो गया था आराम से 4 सेट, बट गर्मी बहुत लगी। एंड ये योगी भैया का लास्ट सेट, उन्होंने भी मतलब हद तक अच्छे स्क्वाट्स करे थे, काफ़ी हद तक। लास्ट बढ़िया। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम 3-3 का पेयर करते हैं, वॉल सेट, वॉकिंग लंजेस, और ये बहुत मुश्किल है बट टाइम भी बचता है, एक्सरसाइज जल्दी भी हो जाती है, ठीक है, ये 30 सेकंड जीवन के ऐसे लगते हैं 1 घंटे जैसे। अभी 30 सेकंड हो गया, 15 रहते हैं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज जंपिंग स्क्वाट्स और वॉकिंग लंजेस ऑन स्टेयर्स, बहुत इफेक्टिव था। ये अभी मैं करते हुए वेट हल्का था, पहले मैं 20 किलो से जाता था, मैंने क्या ही करना है वैसे ही तो इसी से मैंने 10 किलो से कर लिया। एंड हमारा लास्ट पेयर जिसमें 3 एक्सरसाइज थी, जो पहली है स्टिप लेग डेड है, 12 रेपिटेशन, उसके बाद प्लैंक, 1 मिनट का होल्ड है। जो ये होल्डिंग वाली एक्सरसाइज जितनी होती है, प्लैंक, की होल्ड, हैंड स्टैंड एंड पल्सेट, इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वो था हमारा सुबह, जैसे हमारे दोस्त भी आ गया वो बैठक लगाने के लिए। ये लास्ट सेट था, इसके बाद हम पहुंच जाते हैं सीधा मंदिर, बिकॉज आज ट्यूसडे है एंड हमारी कॉलोनी का एक रिचुअल है, बहुत अच्छा रिचुअल है, 1.5 साल पहले शुरू हुआ था, एवरी ट्यूसडे को यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ होता है, जिसमें आस पड़ोस की कॉलोनी से हर जगह से बच्चे लोग आते हैं एंड एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर होता है, तो बहुत ही मतलब ये मेरे को अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ भरपूर, नेगेटिविटी सब कुछ दूर हो जाती है यहाँ से, नेगेटिविटी सारी पॉजिटिविटी सब कुछ रिलीज हो जाती है। तो जो भी वीडियो देख रहा है अभी भी ट्यूसडे को आना चाहे, 7:30 बजे होता है मीराबाग बी ब्लॉक में, तो आप आ सकते हो एंड एवरीबडी इज़ वेलकम हियर। एंड उसके बाद हम लग जाते हैं ये हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने लाइन में और ब्लेसिंग मांग लेते हुए उनसे कि आपने जो कुछ भी दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड मेरे 2 छोटे छोटे फ्रेंड्स इनके साथ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ये आइसक्रीम भी खा रहे थे अपने नानू से, तो मेरे पास आ गए, नानू कहते तू खिला दे, मैं इनको आइसक्रीम खिला रहा था। मेरे साथ पहली बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पास आके रोते नहीं हैं, वरना जनरली मेरे पास बच्चे बैठते नहीं हैं, रोते रहते हैं मुझे देख के। योगी भैया भी आते हैं वर्कआउट करने के बाद हम यहाँ पे मंदिर में, पूरा ये देख लो आइसक्रीम वाले भैया, उधर आलू पूड़ी मिल रही है, इधर आइसक्रीम मिल रहा है, हर किसी अपने हिसाब से, ये लोग घर लेके जा रहे हैं जो प्रसाद नहीं आ पाए फैमिली मेम्बर्स, आएंगे और बच्चे जो बाहर लगे हैं खाना खाने के लिए, पूड़ी आलू सबके लिए यहाँ पे। हाँ जी, वर्कआउट ख़त्म, दर्शन ख़त्म, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि हर ट्यूसडे को यहाँ पे हनुमान चालीसा होती है एंड कोई भी आ सकता है, कोई भी प्रसाद तक आ सकता है। एंड मेरे प्रसाद में ये आइसक्रीम, केले, एक 4-5 लड्डू और वो हमारी बूंदी जो नेशनल प्रसाद हमारा हनुमान जी का और आलू पूड़ी भटूरे बहुत कुछ था, वो मैंने लिया नहीं, मैंने एक वीडियो में दिखाया अभी आपको देखना। एंड मैं क्या देख रहा हूँ, अरे दासा जी आ गए हमसे मिलने, ये लीजिए, हे बॉय, भाई इसकी बात में भरोसा नहीं करता, ये भी मेरा बहुत अच्छा क्लाइंट है इसका भी 10 किलो कम हुआ है।
ठीक है, बट ये पहले बहुत ही हफ्शी होता था, अब काफ़ी पतला हो गया। ठीक है चलो, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है, कंसिस्टेंट रहेंगे। चलो बाय बाय, हरे कृष्णा, ध्यान रखो, वर्कआउट करते रहो, पानी पीते रहो, ठीक है, बाय।